ट्रांस साइबेरियाई रेलवे अपनी लंबाई के लिए तो मशहूर है और दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन सफर का ताज भी फिलहाल रूस के पास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और तजवीज़ करदा रास्ता मौजूद है जो इससे भी ज़्यादा फासला यानी 18,775 किलोमीटर तय करता है और ट्रांस साइबेरियाई सफ़र को भी पीछे छोड़ देता है। यह तजवीज़ करदा सफ़र ना सिर्फ फासले के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ है बल्कि 13 मुख्तलिफ ममालिक से होकर गुजरने की वजह से एक सकाफती सफ़र भी है। ये शानदार मुहिम जोई अगरचे अभी तक एक फ़ाल रास्ता नहीं है लेकिन ट्रेन के शौकीन अफराद के लिए एक खाबीदा सफ़रनामा है। नाज़रीन, मैं हूँ जमाल अर्शद और आपको वंडर वर्ल्ड की एक और हैरत अंगेज़ वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए इस दुनियागीर सफ़र के मुमकिन अजाबात पर एक नज़र डालते हैं। ट्रांस साइबेरिया रेलवे के रूस पर फोकस के बरक्स ये तजवीज़ करदा रास्ता पुर्तगाल के जनूबी सिरे से लेकर सिंगापुर तक फैला हुआ है जो यूरोप, एशिया और जनूब मशरकी एशिया से होकर गुजरता है। तसव्वुर करेंगे खिड़की के बाहर के मंजर कैसे बदलते हैं। पुर्तगाल के सरसब्ज पहाड़ियों से लेकर चीन के पुरौनक शहर और थाईलैंड के पुरसकून साहिल तक ये तवील रास्ता आपको हैरत अंगेज काफ्ती तनू से रोशनास कराएगा। आप पुर्तगाल और फ्रांस की अमीर तारीख का लुत्फ उठा सकते हैं, रूस और चीन के फन तामीर के अजायबात को देख सकते हैं, जनूब मशरकी एशिया के पुरजोश तवानाई का तजर्बा कर सकते हैं और इसके दरमियान लाखों तजर्बात हासिल कर सकते हैं। हर स्टॉप आपको मुकामी लजीज खानों को चखने, नई जुबान में चंद बुनियादी जुमले सीखने और मुनफरिद रवायात में खुद को डुबोने का मौका फराहम करेगा। इस सफ़र का लंबा फासला आपको हैरत अंगेज मनाजिर की जमानत देता है। तसव्वुर करें आपका सफ़र पुर्तगाल के अंगूर के बागात के दरमियान शुरू हो और फिर स्पेन में फ्लेमिंगो डांस देखें और बार्सिलोना के खूबसूरत फन तामीर का मुशाहिदा करते हुए फ्रांस के रोमानवी शहर पेरिस की सैर करें और आइफल टावर के नज़ारे से लुत्फानंदोज़ हों। आगे बढ़ते हुए जर्मनी के खूबसूरत जंगलात और तारीखी किलों के दिलफरेब मनाजिर से गुजरें, इसके बाद पोलैंड के सकाफती वर्से से भरपूर उस मुल्क की सैर करें और बेलारूस के खूबसूरत झीलों और नेशनल पार्कों से लुत्फानंदोज़ हों। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हुए ट्रांस साइबेरिया रेलवे के रास्ते वसी और रीज रूसी घास के मैदानों और बर्फ़ से ढके शानदार हिमालय पहाड़ों का नज़ारा करें और मंगोलिया जो कि चंगेज़ खान की सरजमीन है का सफ़र करें और घोड़े वाले खानाबदोश लोगों की सकाफत से आशना हों। चीन की अजीम दीवारें चीन और मास्टरपीस फनपारों को देखकर हैरान रह जाएं। आखिरकार जनूब मशरकी एशिया में वियतनाम में हलों खलीज के सिंगापुर चट्टानों और मशरूफ बाजारों का मुशाहिदा करें, थाईलैंड के खूबसूरत मंदिरों और सुकून बख्श साहिलों से लुत्फानंदोज हों और पहुंच जाएं लाओस जहां के कदीम मंदिरों और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों को देखें और अपने सफ़र का इख्तिताम जदीद और मुतहरिक शहर सिंगापुर में करें। ये ट्रेन की सवारी एक हकीकी जुग्राफी सफ़र होगी। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि एक उम्र भर का यादगार तजर्बा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों से आशनाई, हैरत अंगेज मनाजिर और लजीज खानों से लुत्फानंदोज हों। ये ट्रेन का सफ़र फ़िलहाल एक तजवीज़ है लेकिन इसके इम्कानात लामुतनाही हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए वंडर वर्ल्ड। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।